सन्नाटा ही सन्नाटा था, तो कुछ अजीब सा माहौल था। That was really painful. I just could not forget that night. बहुत ज्यादा डर, खौफ और अप्रहेंशन लोगों में था। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 351 वोटों के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया है। It's a huge surprise. A significant move to take direct control of the state of Kashmir. Troops, as we understand it, out on the streets. Panic has gripped many local residents. मेरा नाम मीर खिलाफ है, मैं एक सहाफ़ी हूँ। 5 अगस्त के दिन ही, उससे पहले जो रातें गुजरी हैं, इसके बाद जो दिन गुजरे हैं, उसको आज भी जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। उस वक़्त तो बड़ा शौक था, क्योंकि हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसा कुछ होने वाला था। डिसीजनस लिए गए थे, अमरनाथ यात्रा को बंद किया, यहाँ पर बहुत सारे फौज लाया गया था, इंटरनेट कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया गया था। तो जहन में था कि कुछ होने वाला था, और रिमोर्स बहुत बड़े, तो ये था कि शायद जम्मू को स्टेट छोड़ दिया जाएगा, तो उसके रिमोर्स बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब सुबह रेडियो पे सुना तो उससे बड़ा शौक ये लगा 370, और इसके बाद फिर स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना। द एंटायर स्टेट वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यू नो, इट फील लाइक द पीपल स्माइल्ड बट दे एक्चुअली वांटेड टू क्राई, एंड दे टॉक बट दे वांटेड टू बी क्वाइट. They wanted to be understood. They pretended to be happy and smiling, but they were not. The voices were choked, and the screams got unheard. 4 और 5 अगस्त के बीच वाली रात है, तो यकीनन कोई नहीं सोया होगा, क्योंकि हर कमरे की लाइट खुली थी, हर कमरे पे फोन पे बात करने की आवाजें आ रही थी। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब फोन करके पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है या क्या होगा। मेरे दोस्त जो दिल्ली के अखबारों के साथ, टीवी चैनल्स के साथ जर्नलिज्म से वाबस्ता, फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला था। किसी को कुछ भी खबर नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बेबस थे। और वहीं बस एक चीज होती थी कि हमें वो बेबसी मालूम होती थी कि हम कुछ कर नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, बाहर जा नहीं पा रहे थे, अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे थे, वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, फ्रेंड्स से नहीं मिलता, स्कूल बंद हुए, एजुकेशन टफ हो गया, बिजनेस टफ हो गया, सब कुछ बंद हो गया, जैसे लग रहा था कि हम स्टोन एज में रह रहे थे। वी वर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड फॉर अराउंड अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन, देयर वाज अ कंप्लीट, यू नो, ब्लैक आउट ऑफ थिंग्स, देयर वाज अ स्नैपिंग ऑफ इंटरनेट, स्नैपिंग ऑफ इंटरनेट, देयर वाज अ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड रादर, एंड दैट वाज रियली पेनफुल। आई जस्ट कुड नॉट Forget that night. मेरे जहन में ऐसी कभी कोई रात नहीं गुजरी है जो कि 4 और 5 अगस्त के बीच वाली रात थी। 2 साल गुजरने के बाद भी कुछ बदला नहीं है। एक चीज जो आज भी है, वो अप्रहेंशन आज भी है, खदशा थी, क्योंकि आए दिन नए कानून आते जा रहे हैं और लोग अच्छे की उम्मीद कर ही नहीं पा रहे हैं। बस सिर्फ यही जहन में होता है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा कानून लाया जाएगा, तो वही अप्रहेंशन आज भी है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कि हमें उस टर्माइल से बाहर निकाल।